हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग होगी। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में? आप से क्या वो बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है अगले 48 घंटों के अंदर? और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हर एक के साथ हर चीज़ मैच नहीं करेगी। हो सकता है किसी किसी के साथ पूरी कनेक्ट कर जाए रीडिंग, तो बहुत अच्छी बात है। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत में एक यस और नो सेशन भी करेंगे, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं कहीं बीच में ही करूँगी यस और नो का सेशन, तो या मैं ये नहीं बताऊँगी कौन से टाइम पे मैं यस और नो का सेशन करूँगी। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप वो यस और नो का सेशन देख पाओगे और उसका हिस्सा बन पाओगे, और आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो काफ़ी टाइम से आपके दिल में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ओशो ज़ेन डेक से देखते हैं कि उनकी माइंड स्टेट क्या है इस वक्त। ठीक है, ये है ओशो ज़ेन डेक। देखते हैं कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड? हारमनी पहला कार्ड है यहाँ पे, हारमनी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस इज़ अ 10 नंबर एंड 10 इज़ अ कम्प्लीशन कार्ड। तो कोई साइकिल कम्प्लीट हुई है हाल ही में आप दोनों के बीच, या फिर होने वाली है। डेफिनेटली यू आर इन एट द एंड ऑफ अ साइकिल। कोई साइकिल आप दोनों की डेफिनेटली आपके हम दोनों के बीच एंड होने वाली है या शुरुआत होने वाली है। कुछ डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे साइकिल आप दोनों की बिगिन होने वाली है, और कोई बुरी साइकिल एंड होने वाली है। ये पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं आपके साथ, सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं। तो इनके दिमाग में बस यही चीज़ें चल रही है कि कैसे ठीक की जाए चीज़ों को। बॉटम ऑफ द डेक में है सॉरो, यह है 9 नंबर। तो 9 की तरफ, 9 से 10 की तरफ कैसे जाया जाए, सैडनेस की सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ, कंटेंटमेंट की तरफ, सेटिस्फैक्शन की तरफ कैसे जाया जाए, यही सोच रहा है ये पर्सन। बहुत सैड लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है सारी सिचुएशन को लेकर। बहुत यू नो, इनके फीलिंग्स ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। और क्या होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच? नेक्स्ट हमारे पास है स्लोइंग डाउन। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना पूरा वक्त ले रहे हैं चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सेटल डाउन करने में। कोई गड़बड़ी खाई, कोई घाई और कोई जल्दबाजी में कोई चीज़ें नहीं करना चाहते। डिसीजन भी काफ़ी सोच समझ के ले रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है शेयरिंग। तो हो सकता है किसी से अपने दिल की बात बता रहे हो कि मुझे इससे, यू नो, अपने किसी फ्रेंड से या आपके किसी फ्रेंड से कि मुझे इसके साथ बात करनी है, मुझे इसके साथ चीज़ों को ठीक करना है, बहुत टाइम हो गया अभी, बहुत टाइम ले लिया मैंने। तो मुझे लगता है किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपसे बात करने में या आपसे चीज़ें शेयर करने में काफ़ी टाइम ले रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो क्योंकि आप इतना रुकना नहीं चाहते हो, आप और वेट नहीं करना चाहते हो, आप बस चीज़ों को फटाफट से आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि पर्सन और क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। द लवर्स, डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे जेमिनाई से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन इमेंस प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। नो मैटर आप दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशंस चल रही है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो मैटर हो, जो भी है, ठीक है। अगर आपका सिर्फ क्रश है या वन साइडेड रिलेशनशिप है तो भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो भी डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, आपके फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे, समझ पा रहे, सोच पा रहे, आपको फील कर पा रहे, आपके एनर्जी को फील कर पा रहे। बॉटम ऑफ द डेक में है सेलिब्रेशन। तो हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में बिजी है या कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ आपके लिए, कुछ आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, नो मैटर वॉट। तो ये पर्सन एक तो प्लान कर रहे हैं आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करने का, या फिर आपके साथ इनको बेसिकली टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एंजॉय करते हैं आपकी कंपनी को, ठीक है। और वो मे बी नॉस्टैल्जिक हो रहा है, पुरानी कोई टाइम स्पेंड की थी, कोई बर्थडे, कोई इवेंट, कोई एनिवर्सरी, या फिर कोई भी जो प्राइवेट वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताया था उसका, उसके बारे में सोच रहे हैं। सी इन अ वॉइस, तो अपने दिल की बात सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, अपने दिल में झांक रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट।
अपने दिल की, दिमाग की सब चीज़ों को एक करके मर्ज करके ये सिचुएशन के बारे में सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब इंसान दिल की आवाज़ और अंतर मन की आवाज़ सुनने लगते हैं ना, तो उसे सही आंसर्स मिलते हैं। नेक्स्ट है पेशेंस। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं करना चाहते, प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आप क्या सोच रहे हो। हो सकता है मैं आपकी जो बता रही हूँ आपके पर्सन की हो, ठीक है, तो जैसे आपसे रोल सूट करे। आप क्या सोच रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई अलग लेवल का आपको रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर मे बी आप स्ट्रॉन्ग बने हो इस सिचुएशन के बाद, अगर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है या आपके बीच कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपको नए से इस सारी सिचुएशन को लेकर काफ़ी चीज़ें समझ रही है, आप चीज़ों को अलग लेवल पे देख पा रहे हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है पार्टिसिपेशन, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, वरना आप इस कनेक्शन को एक, जैसे कैसे होता है ना, कोई गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती है, ठीक है, या दो पहियों पे नहीं चलती है, चारों पहिए होंगे तो कार चलेगी। जैसे टू व्हीलर होती है, एक पहिए पे तो नहीं चलेगी, दूसरा पहिया भी तो होना चाहिए। तो ऐसे ही आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, तभी ही आप सिचुएशन को ठीक करोगे। ठीक है, आप स्टेबिलिटी डेफिनेटली चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट अगर ये पर्सन भी खुद से कोई इनिशिएशन ले या एफर्ट्स डाले अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत, यू नो, गाड़ी को धक्का मारे, तभी आप आगे बढ़ना चाहते हो, वन साइडेड नहीं रखना चाहते सिचुएशन को। नेक्स्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। मैंने कहा आपको काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, आप बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो और जैसे चल रही है चीज़ें चलने दो। आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हो रहे हो, या मे बी आप चीज़ों को कंट्रोल करना आपने छोड़ दिया है, ऑब्सेस करना, ज़्यादा सोचना उस बारे में, और जो करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी इंसान के लिए रोना चाहिए, उसको चेज करना चाहिए, उससे बैग करना चाहिए कि तू मुझसे बात कर ले, तू मेरे लाइफ में रह ले, तू मेरे लाइफ में वापस आ जा, तू उसको छोड़ दे, तू ये छोड़ दे। दिस इज़ नॉट लव, ओके। प्यार में ये सारी चीज़ें अपने आप होती है, किसी को समझानी या बतानी नहीं पड़ती। ठीक है, लेट मी पिकअप द कार्ड, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में है एग्जॉशन। मुझे लगता है आप सारे सिचुएशन से बहुत परेशान हो चुके हो। मे बी आपने इस पर्सन को बहुत समझाया, मे बी आपने इस पर्सन को बहुत समझ लेने की कोशिश की, आपने अपने तरफ से सब एफर्ट्स डाले हैं, सब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है इस पर्सन को समझाने के लिए और इनको समझने के लिए। आपने गो विद द फ्लो इस टाइप की एक एनर्जी पकड़ ली है। चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वी आर द वर्ल्ड। देखिए, अंदर ही अंदर आप इस पर्सन का से प्यार करते हो, इस वजह से ही तो ये रीडिंग देख रहे हो, तो इमेंस प्यार है यहाँ पे, बट आप चाहते हो पार्टिसिपेशन, आप चाहते हो कि जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो ये पर्सन भी डाले, वरना फिर तो ये रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जैसे इत मैंने बोला, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पहिए पे या दो पहियों पे ही गाड़ी नहीं चलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मुझे लगता है आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, बट आप वो ऊपर से दिखा नहीं रहे हो, आप परेशान हो चुके हो सारे सिचुएशन से, आप दूर रहकर ही चीज़ों को समझने की या सिचुएशन को समझने की कोशिश करे जा रहे हो। आप पक चुके हो, थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप बस इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, बट अंदर क्या चाहते हो, इंटीग्रेशन, एक होना। ओके, एक कहीं ना कहीं आपके अंदर जितनी मैस्कुलिन या जितनी फेमिनिन जो भी आप हो उसके हिसाब, देखिए कैसे होता है, एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनाइन एनर्जी भी होती है, यिन यांग हमारे अंदर होता है, बट वो इट डिपेंड्स कि हम कौन सी एनर्जी में हैं। कहीं ना कहीं आप बैलेंस हो इस वक्त, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो, आप सिचुएशन को हर लेवल पे और हर सिचुएशन हर एंगल से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। अगर ये पर्सन आता है आपके पास तो आप तैयार हो माफ़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनको माफ़ करने के लिए, अपने आप को माफ़ कर दिया है आपने, और हर सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो विद पॉजिटिविटी। चलिए म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं आप दोनों के, आप दोनों एक साथ, लाइक आप दोनों की एकदम डीप डिज़ायर्स क्या है वो देखते हैं। तीन ही कार्ड्स निकालूंगी मैं। देखो, दोनों एक दूसरे को दूर से देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को इस कनेक्शन से बाहर लेके जाके देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो कि ये पर्सन, वो जो आपको देख रहा है, वो जो सोच रहे हैं कि इसको क्या चाहिए मुझसे,
मुझे इस कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं या आप हिम्मत जुटा रहे हो, दोनों ही इसी स्टेट ऑफ माइंड में। ये म्यूचुअल एनर्जी है आपकी दोनों की। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों एक जैसा क्या सोच रहे हो, और ये आपकी एनर्जी दोनों ही एक दूसरे को दूर से, जैसे भी जो भी सेपरेशन या जो भी चल रहा है आपका, समझने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को जानना, समझना, पहचानना, ये चल रहा है आपका। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है राइटनेस। कहीं ना कहीं दोनों ही रुके हुए हो, सही टाइम का वेट कर रहे हो। मे बी वो सोच रहे कि आप आ जाओगे और आप सोच रहे हो कि वो आ जाएंगे, तो ये एनर्जी है दोनों की ही। दोनों ही सही टाइम का वेट कर रहे हो, दोनों ही बहुत टाइम से पेशेंस रखा हुआ है। कहीं ना कहीं दोनों को ही पता है कि ये कनेक्शन बियॉन्ड डिल्यूजन है, ये कनेक्शन यू नो इसके बारे में सोच के भी परे है। ये रिलेशनशिप इतना इंटेंस है कि इसको सोच ही नहीं सकते हो, इसकी गहराई को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शंस। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही है, क्या चाहता है सामने वाला इंसान, क्या मिरर कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ पे जो कर रहे हो वो पर्सन सेम स्टेट ऑफ माइंड में है। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल रहे हो, या फिर वो पर्सन खेल रहे हो, या आप दोनों ही एक दूसरे से खेल रहे हो, या फिर आप दोनों को लगता है ये पर्सन, उनको लगता है आप माइंड गेम्स खेलते हो, आप ईगो क्लैशेस में चले जाते हो, और आपको लगता है कि वो पर्सन माइंड गेम खेल रहे हो, तो ये एक आपकी म्यूचुअल एनर्जी। चलिए टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि अगले 48 घंटों के अंदर आपके पर्सन कैसा सोचेंगे, आपको लेकर क्या सोचेंगे, आपके पर्सन अगले 48 घंटों में क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे आपको लेकर। चार कार्ड्स चाहिए मुझे। फोकस हम आपके पर्सन पे करते हैं, आप तो खैर जानते हो आप क्या सोचते हो। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। नेक्स्ट फॉर यूटास। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ब्लॉक्ड फील करेंगे, या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है तो उनको बुरा लगेगा कि भाई ये कब मुझे ब्लॉक से निकालेगी या निकालेगा, या फिर ये इन्होंने अगर ब्लॉक कर रखा है तो मे बी ब्लॉक से हटा के देखेंगे, यू नो टेस्टिंग द वाटर्स। ये है एरीज, लियो और सेगिटेरियन एनर्जी। हो सकता है थोड़ी झिझक हो, करेज डिसीजन ले, करेज जुटाने की कोशिश करे कि मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, ब्लॉक करूँ नहीं करूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ कप्स, तो डरेंगे शायद कि मैं अगर कुछ ऑफर करूँ तो ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये मेरी फीलिंग्स को डिनाई ना कर दे, कहीं ये मूव ऑन ना हो चुका, तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। झिझक एक लेवल की दिखेगी इनके अंदर आपको आने वाले 48 घंटों के अंदर। मैं क्या करूँ, क्या मैं मैसेज कर दूँ, क्या मैं माफ़ी मांग लूँ, क्या मैं इससे अपने दिल की बात कह दूँ, व्हाट मोर डू वी हैव। कन्फ्यूजन भी होगा, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी। ये है जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, एयर साइन। लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, मून है यहाँ पे, देख रहे हो इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी है, दो स्वॉर्ड्स है, डिसीजंस है ये, और ये डिसीजन कोई भी डिसीजन लो हर्ट इसको होना ही है, बट लेना तो पड़ेगा। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स से एस ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में आना तो पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू डू। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे, बहुत फीलिंग्स तो बहुत है बंदे के अंदर। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन, बट कॉन्फ्लिक्ट भी है। जितना प्यार है उतना कॉन्फ्लिक्ट भी होगा इस पर्सन के दिमाग में कि मैं करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, और देखते हैं और क्या होगा इस पर्सन के करंट लाइक 48 आवर्स में इनकी एनर्जी क्या होगी, 48 आवर्स में इस पर्सन की एनर्जी क्या होगी प्लीज़। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है कुछ प्लान करें, या कोई सेलिब्रेशन का प्लान कर रहे हैं, या कोई सरप्राइज का प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये कार्ड्स को देख के इनको लगता हो कि आप मूव ऑन हो चुके हो, या आप इन्जॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो उनके सिवा, ऐसा लगे उनको मे बी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली 3-3, तो मे बी इनको लगे कि आप मूव ऑन हो चुके हो, या आप बिज़ी हो, या आप नहीं चाहते हो, नहीं इंटरेस्टेड हो, या आप कुछ टीम वर्क में बिज़ी हो, या यू नो आपके तरफ से मे बी इनको इनिशिएटिव कुछ लाइक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो ये डरेंगे थोड़ा सा। देखते आगे का कार्ड ही अभी दिखाएगा कि क्या और सोचेंगे आने वाले 48 घंटों के अंदर, ये पोर्शन और क्या सोचेंगे। वाओ, मैंने कहा था टू ऑफ स्वॉर्ड्स से एस ऑफ स्वॉर्ड्स में आना ज़रूरी है, और यही मुझे एग्जैक्टली होते हुए दिख रहा है। झिझक ही सही, डर ही सही, उसको पार कर ये पोर्शन एक नई बिगनिंग के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड विथ दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको चेज, देखिए यहाँ पे ये पर्सन झिझक रहा था मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बट यहाँ पे ये पर्सन लिटरली चेज करेंगे। ठीक है, सारे ही अपने दिमाग में जो भी इनके थाट्स आ रहे हैं, जो भी गलत गलत इनके
और डर इनके अंदर पैदा हो रहा है उसको बाजू रखेंगे और आपको चेज करेंगे और एक नई बिगनिंग के लिए चांस मांग सकते हैं, फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, आपको चेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। जो ये हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के आने वाले 48 घंटों के अंदर एक्शंस क्या होंगे। वाओ, मुझे लगता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल के अंदर झांकेंगे और फॉलो करेंगे, अपने दिल को पूछेंगे और इनके अंदर ही इनके सारे जवाब होंगे। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, जो ये यहाँ पे अनक्लैरिटी दिख रही थी ना, ये क्लैरिटी में आ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ सोर्ड्स, मे बी हो सकता है कि ये शांति से बात करे, ड्रामा ना क्रिएट करना चाहे विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ अबाउट ड्रामा। ये पर्सन जब भी आता है ये ड्रामा लेके आता है, एंड व्हेन दिस इज़ कमिंग इन योर पर्सन एनर्जी, मुझे लगता है कि बट विथ हाई प्रिस्टेस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन ड्रामा के ऊपर शांति और अमन को चूज़ करेंगे और शांति से आपसे डील करेंगे। आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, आने वाले 48 घंटों के अंदर ये पर्सन के क्या एक्शन लेंगे। ओके, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस फिर से आ रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है। मे बी इस पर्सन को थोड़ा डर लगे लेकिन ये ऑफर करेंगे, चाहे आप इस चीज़ को मना कर दें। मुझे तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये व्यूअर्स हैं हमारे, आप मना कर दोगे या रिप्लाई नहीं करोगे जल्दी से और इनको थोड़ा सा ऐसा फील होगा, मतलब समझो ये पर्सन है, ये क्वीन आप हो या आप, सॉरी आपके पर्सन है, इसको ये मत देखो कि क्वीन है या किंग है, जेंडर नहीं देखा जाता। इन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया, दिस इज़ अ कप, दे ऑफर्ड यू, ठीक है, ऑफ़र किया और आपने उसको मना कर दिया। आपकी फीलिंग्स तो है लेकिन आपने मना कर दिया। नाउ दिस पर्सन फील्स वेरी सैड। सो भले ही इनको बुरा लगे, अच्छा लगे, पर्सन डेफिनेटली ऑफर करेंगे आपको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। ऑल दे विल थिंक अबाउट इस, डर के आगे जीत है भाई, टू ऑफ कप्स होने वाला है, मेरा ये कप एक्सेप्ट करेगा, मुझे भी प्यार देगा, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ओके, चलिए और लास्ट कार्ड देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपका आने वाले 48 घंटों के अंदर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाओ, मे बी इनकी विश पूरी हो जाएगी या ये आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं। देखिए, अब इमोशनल सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली इस पर्सन, ये पर्सन आपको देने वाले हैं जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। थोड़ा सा आप नाटक ज़रूर करोगे बट मुझे लगता है बाद में जाके आप मान जाओगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ कप्स। भले इस इंसान को बुरा लगे, भले इस इंसान का दिल टूटे आपके बिहेवियर के वजह से, जहाँ आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट ये ऑफ़र करेंगे, चाहे इनको फिर बुरा लगे या कुछ भी हो जाए, ठीक है। मे बी इनको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मे बी इन्होंने ऐसे सिचुएशन में जाके आपको छोड़ दिया था या जो भी गलत आपके साथ व्यवहार किया, जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि पर्सन भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो अभी इनको तो थोड़ा सा बनता है ना परेशान करना, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम आर मूनोलॉजी ओरेकल से, एडवाइस देखते हैं। तीन कार्ड्स चाहिए मुझे। क्या मैसेजेस हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए। मैं रैंडम तीन मैसेजेस निकालूंगी यहाँ पे। ये है वन, ये है टू और ये है थ्री। और बॉटम में देख लेते एक बार क्या है। वेरी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अगर ये पर्सन आपका गोल है तो डेफिनेटली आप बहुत क्लोज हो इस गोल को अचीव करने में। पहला है हमारे पास एडजस्टमेंट्स। आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, आपको भी हमेशा ही ना 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 नहीं कहना है, आपको भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में जो हुआ है, इस पर्सन ने कैसे आपको दुख दिया, कैसे छोड़ दिया, कैसे आपको इग्नोर किया, कैसे आपको प्यार नहीं किया, कैसे आपको परेशान किया, ये नहीं सोचना है। अभी की सिचुएशन देखो, पीछे की चीज़ों पर मिट्टी पाओ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कहीं ना कहीं आपको जो सवाल आपके दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहे हैं ना इस पर्सन को लेकर, उसके जवाब आपको इस पर्सन से मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैंने जो बोला था वो हम कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, येस और नो का सेशन होगा। आपको तीन सवाल का ऑप्शन देती हूँ मैं। पहला सवाल अपने मन में पूछिए, मेडिटेट करिए, यूनिवर्स से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, भगवान से उसका आंसर मांगिए, और मैं आपको टैरो के थ्रू बताती हूँ कि उसका सवाल, उस सवाल का जवाब हाँ है या ना है। तो पहला सवाल, प्लीज़ मेडिटेट करिए, पहले सवाल पे फोकस करिए। पहला
पहला सवाल क्या है आपका? आई होप अभी आप सोच लिया होगा आपने अपना पहला सवाल क्या है। मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। मैं आज ये छोटू सा डेक यूज़ कर रही हूँ, मेरा क्यूट सा जो सबको पसंद आता है। देखते हैं कि आपके जवाब, सवाल का जवाब क्या है। ओके, हमें मिल चुका है हमारा कार्ड। आई होप आपने सोच लिया है कि आपका सवाल क्या है। मैं सिर्फ येस और नो में जवाब दूंगी, और मुझे अगर कुछ लगता है गाइडेंस देना चाहिए उसके ऊपर तो मैं दूंगी। आप उसको एडजस्ट कर लेना जैसे तैसे, क्या उसका एक मतलब बनता है आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो देख लीजिएगा। तो मैं रिवील करती हूँ इसको। द डेविल, तो आई थिंक एक बैड न्यूज़ है, नो है उसका। जो भी सवाल आपने पूछा है उसका जवाब है नो। बट ये नो अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, ये डेविल एनर्जी है, ये कैप्रिकॉन एनर्जी है, और ये इट इज़ नॉट नाइस। इट इज़ वेरी लाइक अ टॉक्सिक सिचुएशन, और उससे दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसीलिए इसका सवाल, इस सवाल का जवाब नो होके भी आई थिंक आपके लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। मेडिटेट करिए, सोचिए अपने मन में, दिल में, दिमाग में उस सवाल को लेकर। उस पर्सन को लाइए अपने आँखों के सामने, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जिस भगवान को आप मानते हो उनके बारे में सोचिए, उनसे प्रे करिए कि मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए पूजा जी के थ्रू। पूजा जी मतलब टैरो के थ्रू। और चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ। ओके, हमें हमारा कार्ड मिल चुका है नंबर टू क्वेश्चन के लिए। मैं आपको बताऊंगी हाँ है या ना है आपका जो भी सवाल है। चलिए, प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स, तो उसका सवाल, जो भी सवाल आपने पूछा उसका जवाब है यस, ठीक है। लेकिन बी केयरफुल, प्रैक्टिकली सोचिए जो भी आप सोच रहे थे। आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, बट जो भी है रिस्क मत लीजिए अननेसेसरी, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बट सवाल का जवाब हाँ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। चलिए अभी तीसरा सवाल पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हो। करियर, हेल्थ, मम्मा की हेल्थ, पापा की हेल्थ, दादी की हेल्थ, या पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी आपको पूछना है, या प्यार, शादी इस साल होगी, अगले साल होगी, व्हाटएवर, या अच्छा रिश्ता मिलेगा, जो भी आपके सवाल हैं प्लीज़ पूछिए। मैं कार्ड निकाल रही हूँ यहाँ पे आपके सवाल, जो मेरे पर्सन अभी सोच रहे हैं उसका सवाल का जवाब हाँ है या ना है प्लीज़। ओके, फिर से शफल करते, बहुत सारे कार्ड्स गिरे। ओके, तो हमारा कार्ड आ चुका है। आई होप आपने अपना सवाल का सवाल सोच लिया होगा, उसका जवाब है यस। बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट होगा, जो भी आपने सोचा है अटकी हुई चीज़ें फटाफट से चलने लगेगी। अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन थी जो अटकी पड़ी है काफ़ी टाइम से, इट्स गोइंग टू फास्टली मूव अराउंड। ओके, जल्दी 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 पेस पकड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में से आपके लिए क्या निकलता है। हैंड रिटन मैसेजेस प्लीज़, क्या निकलता है आपके लिए। ओके, सॉरी, गिर गए हैं हमेशा की तरह, तो मैं उठा लेती हूँ। ओके, तो पहला है लायर। तो मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो, या नो मैटर व्हाट, मे बी ये झूठ बोल रहे हैं आपसे कुछ, या फिर डोंट नो व्हाट, बट इट्स नॉट अ गुड एनर्जी टू स्टार्ट विथ। शेयरिंग, तो मे बी आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आपको अपने दिल की बातें किसी से शेयर करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, मे बी आपको आंसर्स मिलेंगे, अपने सॉल्यूशन मिलेगा, अपने सवालों के जवाब मिलेंगे आपको उसके थ्रू। और देखते हैं, और दो चाहिए मुझे। नेक्स्ट है 3-4-8 months, तो कुछ स्पेसिफिक होने वाला है। मे बी 3-4 months, 3-4-8 months फ्रॉम नाउ, या फिर हुआ था, या फिर मार्च, अप्रैल और अगस्त मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ था या होता है हमेशा। डोमिनेंस, तो ये पर्सन आप पे डोमिनेट करना चाहते हैं, या इस सिचुएशन को डोमिनेट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बॉटम में है प्रॉफिट, तो कोई तो प्रॉफिट या बेनिफिट आपको होने वाला है। नेक्स्ट है ईगो क्लैशेस, ये तो मैंने आपको बोला था ईगो क्लैश में मत पड़िए, ठीक है। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं।
पहला हमारे पास है हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ, तो ये आपकी और उनकी पुरानी चैट्स पढ़ते हैं। क्यूट लगता है यार, कोई अगर हमारी और उनकी पुरानी चैट्स पढ़ रहे तो सुनने में भी क्यूट लगता है ना। सी रीडिंग आर ओल्ड चैट्स, ओ माई गॉड, डेफिनेटली ये कोई तो बात ढूंढ रहा है चैट्स में से, या फिर इनको इतनी याद आ रही है कि बार बार चैट्स पढ़े जा रहे हैं। मे बी आपको लगता होगा ये ऑनलाइन क्या करता है, तो मे बी आपके और चैट्स ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ, तो ये हर वक्त बस आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, मैं मुझे भी तकलीफ़ हो रही है तो इन्हें भी तकलीफ़ हो रही है डेफिनेटली। नेक्स्ट है हमारे पास, मेरा साथ दोगी ना, तो ये आपसे पूछ रहे कि क्या आप इनका साथ दोगे। यस और नो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि हाँ मैं इसका साथ दूंगा, और इस पर एक लाइक भी कर देना। हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो ये अपनी गलती मानते हैं, जो भी इन्होंने गलती करी है, आपको छोड़ा या आपको परेशान किया या आपको समझे नहीं ये पर्सन, मेरी गलती हो गई मैं मानता हूँ। देखिए दूसरी बार तो आपके काफ़ी मैसेजेस डबल डबल आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है, मैं अपना वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा, तो जो भी वादा इन्होंने आपसे किया है वो ज़रूर पूरा करेंगे, बस विश्वास रखिए। और जो लास्ट मैसेज है हमारा, तो मेरी दुनिया है, तो आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं, अपना प्यार मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। तो बस यही थी रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई है तो भाई आप लोग लाइक बड़ा कम करते हो, लाइक करा करिए, फ्री होता है, उसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं। और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू अ लॉट।